तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेदरलैंड्स टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2023 के सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 23 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 12:45 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे जिम्बाब्वे, जो जिम्बाब्वे का होम ग्राउंड होने वाला है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। लास्ट 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम जिम्बाब्वे की बात करते हैं, जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही, तो वहीं 2 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम नेदरलैंड्स की बात करें तो जहां 5 के 5 मैच अपना हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे जिम्बाब्वे 2 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे जिम्बाब्वे 1 मैच जीत के आ रही है, तो नेदरलैंड्स 2 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे नेदरलैंड्स 1 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे जिम्बाब्वे का 20% देखने को मिल रहा है, तो वहीं नेदरलैंड्स का 10% देखने को मिल रहा है। स्कोर की बात करें तो जहाँ जिम्बाब्वे का 192 है, तो इन नेदरलैंड्स का 242 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो जिम्बाब्वे का 276 है, तो इन नेदरलैंड्स का 298 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो जिम्बाब्वे का 96, तो इन नेदरलैंड्स का 186 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे टीम कंपेरिजन में नेदरलैंड्स की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच में वेदर कैसी रहेगी? तो क्लाउड सन रहेगी, 19.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 74% रहेगी, वहीं 6% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? इस पिच पे अभी तक टोटल 105 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है इस मैच में, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी लो स्कोर लग सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी इजली वे में मैच चेस कर सकती है, तो टीम के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है कि टॉस जीत के बॉल चूज करें। इस पिच का अगर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो 228 बनने की संभावना है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में 206 रन में भी लग सकती है। काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट जोन है, दोनों तरफ से टीम दोनों तरह से सपोर्ट मिल सकती है। अगर जो भी टीम अगर स्ट्रांग होगी तो इस पिच पे मैच जीत सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है इस पिच पे। अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम जिम्बाब्वे की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पिछली मैच की बात करें फर्स्ट ओडीआई तो काफ़ी अच्छा खेल के आ रही है, बट वो अपना पिछला मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम नेदरलैंड्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर गेम कैसे चेंज करना है ये तो नेदरलैंड्स को पता है, क्योंकि पिछला मैच अगर देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है। इनके बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन अच्छा देखने को मिला पिछले मैच में। तो ये भी मैच पूरी कोशिश करेगी दोनों टीम जीतने के लिए, तो दोनों में से कोई एक विन होगा, बट काफ़ी अच्छा फाइट होने वाला है सेकेंड ओडीआई मैच में, तो आप लोग जरूर देखेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम जिम्बाब्वे के की प्लेयर की बात करें तो क्रेग इरविन, सिकंदर राजा, रियान बर्ल, ब्रेड इवेंस। वहीं दूसरी टीम नेदरलैंड्स के की प्लेयर की बात करें तो टॉम कूपर, विक्रमजीत सिंह, स्कॉट एडवर्स, सरीज अहमद। ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए जिम्बाब्वे हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।